मन रहीम, आज हम एमएस वर्ड में इंसर्ट मेन्यू से इंसर्ट डेट एंड टाइम, ठीक है, डेट एंड टाइम और इंसर्ट ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। अच्छा, इंसर्ट डेट ये है कि आप लोग जहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स में डेट इंसर्ट करवाना चाहते हैं, तो बजाय ये कि आप डायरेक्ट टाइप करें, आप इंसर्ट मेन्यू से यहाँ पे इंसर्ट डेट एंड टाइम, ठीक है, और यहाँ से कोई भी फॉर्मेट आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अवेलेबल फॉर्मेट ये, इनमें से कोई भी फॉर्मेट जिसमें लेट्स से फर्स्ट है, पहले मंथ, डे, फिर ईयर, इसमें डैश आ रहा है, तकरीबन यही एग्जैक्टली ये सेम है, लेकिन इसमें सिंगल ईयर जो है वो टू डिजिट है, वहाँ पे फोर डिजिट, इस तरह ही इसमें डे वगैरह सब कुछ। तो कोई भी फॉर्मेट आप सेलेक्ट करके इंसर्ट करके आप लोग यहाँ पे ओके कर दें, तो ये आप लोग पास आपके डॉक्यूमेंट में डायरेक्ट इंसर्ट हो जाएगा, बजाय कि आपको टाइप कर दें। ठीक है, इसी तरह कोई भी डेटा आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं दोबारा आ रहा हूँ इंसर्ट दिस। यहाँ पे आप लोग पास एक और ऑप्शन है, अपडेट ऑटोमेटिकली। ये लास्ट टाइम जो मैंने इंसर्ट किया था, इसको मैंने टिक मार्क नहीं लगाया था। अब लेट से इसको मैं टिक मार्क लगा रहा हूँ, इसी डेट को मैं दोबारा इंसर्ट करवा रहा हूँ और ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब डेट ऑटोमेटिकली क्लिक करने के बाद मैं ओके कर देता हूँ। तो अगर आप लोग चेक करें, ये आप लोगों के पास एग्जैक्टली टिक्स फॉर्म में, जबकि ये कोड फॉर्म में, अगर आप इसको चेक करें यहाँ पर अपडेट आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि ये अगर आप लोग आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी हो, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो भी डेट हो, वो डेट आप लोगों का यहाँ पे इंसर्ट होगा। मींस आप 3-4 दिन बाद इस डॉक्यूमेंट को ओपन कर रहे, तो 3-4 दिन बाद जो भी आप लोगों का डेट होगा वो इंसर्ट होगा। ठीक है, जबकि ये आप लोगों के पास टेक्स्ट फॉर्म है, ये एग्जैक्टली चाहे आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम डेट कोई भी हो, ये एग्जैक्टली यही 16 सितम्बर होगा। ठीक है, इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, लेट से अगर आप कोई भी डेट, लेट से डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ तो आप डेली चेंज नहीं होता। ठीक है, तो फिर आप लोगों ने ये टेक्स्ट फॉर्म में लिखना होगा, अपडेट ऑटोमेटिकली को नहीं क्लिक करोगे। ठीक है, जबकि आप लोगों का लेट से एप्लीकेशन है, आप चाहते हैं कि जिस दिन मैं इसको प्रिंट करूँ वो डेट इंसर्ट हो, मैं खुद चेंज ना करूँ। ठीक है, तो फिर आप लोगों ने ये अपडेट ऑटोमेटिकली को इंसर्ट करना होगा, ये जो भी आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम डेट है। तो वो चलो प्रैक्टिकली करके बता देता हूँ। इसको मैं पहले सेव कर देता हूँ, कंट्रोल एस से इसको मैं नाम दे रहा हूँ, डेट के नाम से इसको मैं सेव करवा रहा हूँ डॉक्यूमेंट में। ठीक है, ये डेट के नाम से यहाँ पे सेव हो गया। लेट्स से अब मैं जा रहा हूँ इसको, बल्कि क्लोज करने के बाद मैं जा रहा हूँ डेट अपना चेंज करवा रहा हूँ। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का डेट चेंज करवा रहा हूँ और इसको चेक करते हैं कि वाकई ये चेंज हो रहा है कि नहीं। ये आप लोगों का आज डेट है, ठीक है, 16 सितंबर। इसको मैं लेट से चेंज करवा देता हूँ, राइट क्लिक करके एडजस्ट डेट, और इसको ऑटोमेटिकली सेट ऑटोमेटिकली को मैं ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं मैनुअली इसको चेंज करवा देता हूँ। लेट से मैं इसको कर देता हूँ 19 और चेंज कर देता हूँ, तो आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम डेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग चेक करें, ये 19 आ रहे। अब इसी को मैं दोबारा ओपन कर रहा हूँ, जो डेट हमारा डॉक्यूमेंट था ये। ठीक है, इसको मैं ओपन करवा रहा हूँ, तो आप लोगों ने चेक क्या होगा, ये एग्जैक्टली उसी तरह 16 है, जबकि ये अभी उस ऑपरेटिंग सिस्टम का डेट हमने चेंज करने के बाद वही डेट आ रहा है। जो भी आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम डेट हो वो यहाँ पे इंसर्ट करवा दें, मींस दोनों में डिफरेंस ये है। ठीक है, ये इंसर्ट अगर आप इसको क्लिक करोगे, ठीक है, ये अपडेट ऑटोमेटिकली, तो अपडेट ऑटोमेटिकली अगर आप करोगे तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का डेट उठाएगा। ठीक है, तो वो डेट उठा देगा, जबकि ये टेक्स्ट फॉर्म में रहेगा। टेक्स्ट फॉर्म में आप लोगों के पास जो भी आप लोगों का डेट हो, मैंने पहले भी बता दिया कि ये हम अक्सर डेट ऑफ बर्थ जो आप लोगों का डेट फिक्स होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। जब आप लोग डेट चेंज करते हो तो फिर आप लोगों ने ऑटोमेटिकली इसको डेट अपडेट ऑटोमेटिकली को सेलेक्ट करना होगा।
ठीक है। नेक्स्ट हम आ रहे हैं ऑब्जेक्ट की तरफ। अब ऑब्जेक्ट क्या है कि अगर आप लोगों के पास आपके सिस्टम में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो और वो आप लोग यहाँ पे इंसर्ट करवाना चाहते हो, मसलन आप लोगों के पास ऑटोकैड का कोई भी डॉक्यूमेंट हो या कोई और एप्लीकेशन आप लोगों के पास इंस्टॉल हो और उसी एप्लीकेशन का डेटा, या एग्जैक्टली आप ये भी कर सकते हैं कि आप लोगों का एग्जैक्टली वर्ड का कोई और फाइल हो, आप उसको यहाँ पे इंसर्ट करवाना चाहते हो। मसलन मैं ये कह देता हूँ कि हमारे पास एक बहुत ही लेंथी बुक है जिसमें तकरीबन 10-15 चैप्टर्स है, तो सारे के सारे तो एक बंदा टाइप नहीं करेगा। लेट्स से कोई और एक 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 चैप्टर किसी और ने किसी और नाम से सेव किया हो एंड सो ऑन, इन सबको आप इकट्ठा करवाना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों ने यहाँ से इंसर्ट ऑब्जेक्ट और एक एक फाइल को सेलेक्ट करके यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। मसलन यहाँ पे मैं चलो आ रहा हूँ इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे, जो जो ऑब्जेक्ट आप लोग बस यहाँ से भी आप कर सकते हैं, कोई भी फाइल टेक्स्ट फाइल यहाँ से आप उठा सकते हैं। ऑब्जेक्ट ये है कि कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर आप लोग पास इंस्टॉल हो और उसको आप यहाँ पे इंसर्ट करवाना चाहते हो, ठीक है। लेट से यहाँ पे चलो फर्स्ट आप लोग पास है बीएमपी इमेज, ठीक है, कोई भी इमेज। लेट से मैं इसको कर देता हूँ, इसने आप लोग पास पेंट को ओपन कर दिया। अब यहाँ पे पेंट में आप कोई भी काम यहाँ पे कर सकते हैं, कोई भी ड्राइंग आप बना के यहाँ पे, लेट्स से चलो मैं लिख रहा हूँ, कोई पेंसिल ले रहा हूँ, पेंसिल से कोई भी काम करवा रहा हूँ, ठीक है। इसमें चलो मुख्तलिफ कलर पेल करवा देता हूँ और यहाँ से येलो कलर ले रहा हूँ, ठीक है, छोटा सा ड्राइंग करवा देता हूँ, ठीक है। अब जब जब भी आप बाहर क्लिक करोगे इस पेंट से बाहर इस वर्ड में, ठीक है, तो ये आप लोगों के पास वो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। अब बजाय कि ये मैं वहां पे करूँ कॉपी पेस्ट करूँ, तो इससे बेहतर ये है, अब अगर इसमें मैंने चेंज करवाना हो तो इसी ऑब्जेक्ट पे आप डबल क्लिक कर दे, तो ये ऑटोमेटिकली दोबारा पेंट में ओपन हो जाएगा और आप यहाँ पे कोई भी एडिट करवा सकते हैं, ठीक है, कोई भी चेंज करने के बाद। लेट से मैं दोबारा बाहर क्लिक करवा रहा हूँ, तो ये आप लोगों के पास चेंज, ठीक है, तो ये एक आसानी आसानी से आप ये कर सकते हैं, ठीक है। ये याद रहे कि ये भी उसी तरह वो फॉर्मेट मेन्यू आप लोगों के पास अवेलेबल है, यहाँ पे जो भी आप लोगों ने वो चेंज करवाना हो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर कोई फाइल वगैरह आप इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ये डिपेंड कर रहा है आप लोगों के पास ऑपरेट आप लोगों के सिस्टम पे, आप लोगों के पास कौन कौन से एप्लीकेशन अवेलेबल है, ठीक है, तो कोई भी एप्लीकेशन आप यहाँ से फिर आप सेलेक्ट कर सकते हैं इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इसी तरह इंसर्ट फ्रॉम फाइल, यहाँ से मैं लेट से कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे मैं इंसर्ट करवाना चाहता हूँ, तो यहाँ से वो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, इंसर्ट कर दे, तो ये आप लोगों के पास वो फाइल यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा अगर वो, ठीक है, ये आप लोगों के पास वो फाइल यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है, ठीक है, सही। कंट्रोल होम, ये अगर आप लोग चेक करें सही, कोई भी टेक्स्ट आप कोई भी फाइल वर्ड फाइल हो एक्सेल चार्ट वगैरह हो, ठीक है, वो अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी सेव है तो वो आप यहाँ से इंसर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह कोई भी ऑब्जेक्ट, जरूरी नहीं है मैंने तो पेंट करवा दिया, आप लोगों के पास ऑटोकैड इंस्टॉल है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो कोई भी सॉफ्टवेयर हो वो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेल का पुराना वर्जन 97 to 2003 का वाला वर्कशीट हो, ठीक है, इस तरह बाइनरी फॉर्म में हो या कोई भी, अब मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर इस तरह नहीं है कि मैं आप लोगों को बता दूँ, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादातर सॉफ्टवेयर वो है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, अल्लाह हाफिज़।